Yes, we are live now. Once again in front of you, और शुरुआत करेंगे आज CTET Feb 2015 के previous year question से. तो ये previous year question का ये session शुरू हो रहा है हमारा, और 2015 से लेकर के अब तक जितने भी exams हुए हैं उसमें SST में जो questions आए हैं उन सभी questions को मैं इस lecture के माध्यम से डिस्कस करूंगा और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड करूंगा. तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी को आप देख सके और इसका बेनिफिट उठा सके, इसे अंदाजा लगा सके कि आपके एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये मेरा नाम प्रवीण ऐश्वर्या और एजुकेटर एट लर्निंग पावर. लर्निंग पावर एक एप्लीकेशन है जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी आप पेड कोर्सेज खरीद सकते हैं. वहां पे आपको डिटेल्स में सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे. उसके साथ साथ दूसरे एग्जाम्स के लिए भी आप अगर चाहते हैं प्रिपरेशन करना तो सेम आपको लर्निंग पावर एप्लीकेशन जो कि गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से मिल जाएगा. बाकी आप मेरे चैनल प्रवीण ऐश्वर्या पे रेगुलर क्वेश्चन आंसर सेशन देख सकते हैं. यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर के और SST के जितने भी आपके डाउट्स होंगे और जितने भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है उन सभी क्वेश्चन को मैं इस लेक्चर के माध्यम से अपने यूट्यूब पे हमेशा आपको डिस्कस कराता रहूंगा. तो आते हैं और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर की. ये हमारा लर्निंग पावर का एप्लीकेशन है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं. इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको वहां पे दिखेगा लर्निंग पावर. यहां से आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं. फ्री टेस्ट के लिए आपको सब्जेक्ट जो है आपको यहाँ पे तीन आपको इस तरह से डॉट्स दिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर पे. वहां पे आप जब आएंगे तो वहां पे आपको नीचे फ्री टेस्ट लिखा मिलेगा. वहां से आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं जो कि आप जिस किसी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो धीरे धीरे सभी एग्जाम्स के वहां पे हो जाएंगे. या अगर आप किसी दूसरे एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि वहां पे अवेलेबल नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं इस एग्जाम का टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल करा सकूं. आते हैं, अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर, आज के जो क्वेश्चन आंसर सेशन है जो कि 2015 सीटेट का लिया है हमने उस पे. और ये पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में 2015 में पूछा गया था जिसमें आप देख पा रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ मैप. इसमें से कौन सा जो मैप का कंपोनेंट नहीं है, इसके निम्नलिखित में कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है. तो इनमें से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है ये आपको बताना है. आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, साइज, सिंबल्स, डिस्टेंस और डायरेक्शन. इसमें से कौन सा जो है मानचित्र का घटक नहीं है. तो सिंबल्स तो होते हैं, डिस्टेंस भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो ये साइज नहीं होता. तो ये हमारा आंसर जो है इसका जो साइज है, ठीक है. बाकी सिंबल्स डिस्टेंस होता है उसको मेजरमेंट करते हैं, स्केल होता है जो कि स्मॉलर, ग्रेटर, लार्जर स्केल, स्मॉलर स्केल, इन सभी का चर्चा हम लोग डिटेल क्लास में करेंगे, ठीक है. तो ये पहला क्वेश्चन था. आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिट प्लेन, है ना. तो पृथ्वी अपने एक्सिस पे, ऑर्बिट प्लेन पे, ठीक है, कक्षा तल जिसको कहते हैं, कि पृथ्वी की धुरी का अपने कक्षा तल से झुकाव का कोण क्या है, ठीक है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे 23.5 करते हैं, लेकिन जब अर्थ एक्सिस की बात की जाएगी तो ये 66.5 ये आपका आंसर होगा, ठीक है. तो हमेशा ध्यान रखिएगा 23.5 नहीं है. इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ की अगर बात करेंगे तो इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ इज 66.5 डिग्री, ठीक है. तो ये हमारा आंसर है. चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट से करेंगे. और 20 क्वेश्चन आज के सेशन में इंक्लूड करूंगा मैं, और 20-20 करके ये होगा, ठीक है. और इसमें जो SST के पेडागोजी रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी डिस्कस करूंगा. तो टोटल 60 क्वेश्चंस आपके बनेंगे इसमें, और उन सभी 60 क्वेश्चंस को करेंगे.
आई होप कि ये आपको अच्छा लगेगा, और बाकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और डिटेल से पढ़ने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं लर्निंग पावर गूगल प्ले स्टोर से। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33, और 33 कहने का मतलब ये तीसरा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने सीरियल वाइज वैसे ही छोड़ दिया है जैसे आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो ये है द जनपद पंचायत हैज, अब इसमें बोला गया कि जनपद पंचायत में क्या है होता है ना, किसके अंदर आता है, तो मिनी जिला परिषद अंदर, कहने का मतलब कि जनपद पंचायत के अंदर या इसके अधीन अनेक जिला परिषदें आती हैं, तो जनपद पंचायत के अंदर अनेक जिला परिषदें नहीं आती, जिला परिषद के अंदर ये सब आते हैं, उल्टा है, ठीक है। और इसके अंतर्गत कई नगर पालिका या वार्ड आते हैं, मेनी म्युनिसिपल वार्ड्स अंडर इट। देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अलग है, जनपद पंचायत पंचायती राज सिस्टम का पार्ट है, जबकि नगर पालिका वार्ड की बात करते हैं म्युनिसिपल वार्ड की, तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर मिनी ग्राम सभाज अंडर इट, इसके अधीन अनेक ग्राम सभाएं आती है, तो ग्राम सभाएं जो होती है वो ग्राम पंचायत का पार्ट होती हैं, ठीक है। तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत का पार्ट होती है, न कि जनपद का, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इसके अधीन अनेक ग्राम पंचायतें आती हैं, मीन्स की मिनी ग्राम पंचायत अंडर इट, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, टाइम टू टाइम मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन करते चलूंगा, और बाकी डिटेल से जानने के लिए यूट्यूब पे बाकी के कोर्सेज जो है ऑलरेडी मैंने इन चीजों को डिस्कस कर दिया है, पुराने लेक्चर्स हैं बट आप उसको देख सकते हैं, वहां से आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा, और नए लेक्चर्स की शुरुआत भी करेंगे और बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन सोशल एडवर्टीजमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे बोला गया है कि सामाजिक विज्ञापन पर निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर को चुनें, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में और बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए, तो हम आते हैं आगे, बोला गया कि सामाजिक विज्ञापन वे विज्ञापन होते हैं जिनका समाज के लिए बड़ा संदेश होता है, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञापन कैसे संदेश होते हैं, जिसका समाज के लिए बड़ा संदेश होता है। उसके बाद सामाजिक विज्ञापन केवल राज्य द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा, सामाजिक विज्ञापन राज्य के द्वारा नहीं, समाज के द्वारा या फिर जो जिला लेवल पे होता है उसके द्वारा सामाजिक विज्ञापन बनाया जाता है। तो ये जो है दूसरा हमारा गलत होता दिख रहा है, लेकिन सामाजिक विज्ञापन जो है समाज के लिए उस पर बड़ा संदेश होता है। इसका मतलब है कि पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारा 34 का आंसर था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और अगला है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज पॉपुलर फॉर द कलमकारी प्रिंट, कलमकारी प्रिंट के लिए कौन सा राज्य लोकप्रिय है। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है तमिलनाडु, और दूसरा है यहाँ पे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और पंजाब। तो हमारा कलमकारी के लिए जाना जाने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश हो गया। अगला है हमारा यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप मेनली फाउंड कन्फाइंड टू उत्तराखंड, इनमें से कौन सी जनजाति है, जनजातीय समूह है जो मुख्य रूप से उत्तराखंड तक ही सीमित हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, गोंड है, माला जरूर है, इरूर है,
और भील है, भोटिया है। तो आपको बता दूं कि उत्तराखंड तक ही सीमित होने वाली जनजाति भोटिया है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और बोला कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वर बेस्ट नोन फॉर कंट्रोलिंग द सिल्क रूट अराउंड 2000 ईयर अगो। ये जो रूलर था बहुत ही ये कह लीजिए कि इनका क्षेत्रीय विस्तार बहुत ज्यादा था, मीन्स कि इनका पूरा अफगानिस्तान से लेकर और भारत का तो था ही, तो दो इनके केंद्र थे, एक केंद्र था उनका मथुरा और दूसरा था पाकिस्तान में, ठीक है। तो दो केंद्र थे इनके सत्ता के, दो राजधानियां थी और उत्थे कुशान रूलर्स, ठीक है। तो इसका आंसर जो है कुशान शासक है, ठीक है। और इन्होंने सिल्क रूट पर कंट्रोल किया था और सिल्क रूट में व्यापारियों से सुरक्षा के बदले टैक्स लिया करते थे, सुरक्षा कर एक तरह से कहिए, ठीक है। तो ये कुशान रूलर्स थे, बहुत लंबा इनका एरिया टेरिटरी था, ठीक है। और ये पांडे चेर और चोलाज के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो सब डिटेल से, डिटेल वाली क्लास में। चलिए तो हमारा अगला है यहाँ पे कि अंडर सब्सिडियरी अलायंस द ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स द इंडियन रूलर्स टू रूलर्स ऑफ द स्टेट टू, है ना। तो सहायक संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को मजबूर किया, ठीक है। हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस नॉट गेट प्रोटेक्शन बाई कंपनी बट स्टिल पे टूवर्ड्स इट मेंटेनेंस, ठीक है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे ये वाला कि उनके स्वतंत्र सशस्त्र बल है और कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं करते लेकिन फिर भी इनके रख रखाव के लिए भुगतान करते हैं, ठीक है। दूसरा है नॉट हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस गेट प्रोटेक्शन बाई कंपनी, है ना। पहले वाले में कंपनी का से सुरक्षा प्रदान नहीं करते थे, दूसरे वाले में कर रहे हैं विदाउट एनी पेमेंट टुवर्ड्स इट मेंटेनेंस, ठीक है। आगे आते हैं हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस एज वेल एज गेट प्रोटेक्शन बाय द कंपनी एंड पे टुवर्ड्स इट मेंटेनेंस, ठीक है। इसमें आर्म फोर्सेस भी हैं, कंपनी के द्वारा सुरक्षा भी प्राप्त करते हैं और इसके रख रखाव के लिए भुगतान करते हैं, ठीक है। नॉट हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस, ठीक है। सब्सिडियरी अलायंस के तहत ये रूलर्स को फोर्स किया गया कि उनके आर्म इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस नहीं होंगे बट ओनली गेट प्रोटेक्शन बाय द कंपनी एंड पे टुवर्ड्स इट मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये हमारा जो इसका चौथा ऑप्शन है यही वाला हमारा सही है। बोला गया कि उनके पास स्वतंत्र इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस नहीं होंगे, ये रूलर्स पे फोर्स किया गया, ठीक है, लेकिन उनकी सुरक्षा करेंगे, कंपनी उसकी सुरक्षा करेगी और उसके बदले में वो टैक्स रख रखाव के लिए लेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो 2015 में इंक्लूड किया गया था उसमें आप देखेंगे तो बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट अबाउट अ होम्स, अ होम्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो फैक्ट है वो सही नहीं है। तो द अ होम स्टेट वॉज डिवाइडेड इन टू क्लैंस कॉल्ड पाइक्स, ठीक है। तो ये बोला गया है कि अहोम के राज्य जो थे पाइक्स नामक कुलों में विभाजित थे। द अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड, नहीं। द स्टेट ऑफ अहोम वॉज क्रिएटेड बाई सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ भुइयास। तो बोला गया कि अहोम राज्य का निर्माण भुइयों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को दबाकर किया गया था और द अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स लेबर, है ना। तो अहोम राज्य जबरन श्रम पर निर्भर था। इनमें से बोला गया है कि कौन सा फैक्ट जो है अहोम के बारे में नहीं है, तो अहोम के बारे में नहीं है, नॉट ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो अहोम स्टेट वॉज डिवाइडेड इन टू क्लैन लाइक पाइक्स,
कि इसका जो करेक्ट मीन्स कि इनमें से जो तथ्य होम के बारे में नहीं है वो पहला ही है, बाकी सब है कि होम जो थे सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड. द स्टेट ऑफ होम वॉज क्रिएटेड बाई सप्रेसिंग द ओल्डर पोलिटिकल सिस्टम और भुइयाज द होम स्टेट. हाँ ठीक है, तो ये हमारा पहला इसका आंसर है. द होम स्टेट वॉज डिवाइडेड इंटू क्लांस कॉल्ड पाइक्स, पाइक्स नहीं कहा जाता था. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. और ये हमारा द टर्म हीगो हैगियोग्राफी, हैगियोग्राफी मीन्स की हैगियोग्राफी किससे संबंधित है ये कह सकते हैं. राइटिंग ऑफ सेंट्स बायोग्राफी, किसी संत का जीवन चरित्र लिखने से. और राइटिंग ऑफ सेंट्स ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा. राइटिंग ऑफ द रूलर्स बायोग्राफी, राइटिंग ऑफ रूल. तो ये जो है हैगियोग्राफी जो है किसी संत के बायोग्राफी से है, तो ये इसका करेक्ट आंसर पहला ही है. ठीक है चलिए अगला है यहाँ पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इनमें से उष्णकटिबंधीय घास स्थल का एक प्रकार है. इसमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल का एक प्रकार है, तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल में आते हैं सवाना, अफ्रीका, बनाना, अफ्रीका है ना. तो अफ्रीका ये ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स है, ठीक है. और ये ऑस्ट्रेलिया डाउन्स में आता है. तो हालांकि अभी इसका आंसर जो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल में, तो हमारा आंसर सवाना है, ठीक है. ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स है, पंपास, कैंपोस, इन सब सभी ग्रासलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आगे, ठीक है. फटाफट से आज के सेक्शन में ये मैं 50 क्वेश्चन तक करूंगा, मीन्स की 20 क्वेश्चन आज इंक्लूड करूंगा. उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस फिर पार्ट टू में करेंगे और फिर उसमें 20 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है. तो ये हमारा है कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट फूड सिक्योरिटी एंड चूज द करेक्ट आंसर. बोला गया कि इनमें से खाद्य सुरक्षा के बारे में ए और बी पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें से कौन सा सही है. बोला गया कि कृषि विकास का अंतिम उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है. बिल्कुल, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाते हैं तभी तो कृषि का डेवलपमेंट करते हैं. बोला गया कि फूड सिक्योरिटी रिफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल इन द टाइम्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज व्हेन देयर अकर्स अ शॉर्टेज ऑफ फूड, है ना. खाद्य सुरक्षा प्राकृतिक आपदाओं के समय जब भोजन की कमी होती है सभी लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता के लिए अस्तित्व को संदर्भित करता है. तो कोई जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक आपदा है तभी भोजन की आवश्यकता पड़ती है ना. तो कभी भी भोजन, हमेशा भोजन की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हम प्राकृतिक आपदाओं के समय का क्या हमेशा ही खाद्य सुरक्षा की जरूरत पड़ती है ना, तभी कृषि का विकास होता है और भोजन के बिना तो जीवन संभव है ही नहीं. तो इसका हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो पहला सही हो रहा है, दूसरा गलत हो रहा है. तो हम इस पे तीसरे आंसर पे जाएंगे, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ठीक है. आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसे जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता, मीन्स की Not considered as fossil fuel. तो इसमें से fossil fuel कौन सा नहीं है, तो सीधा सीधा उत्तर हमें दिख रहा है. Options यहाँ पे दिया हुआ है, petroleum, natural gas, firewood और coal. तो यहाँ से सीधा आंसर हमारा आ रहा है natural gas. Natural gas तो है, जीवाश्म ईंधन है, petroleum भी है, firewood और coal. तो इसमें हमारा आंसर आ रहा है firewood, ठीक है. जलाओ लकड़ी, ये फोसिल फ्यूल नहीं है. फोसिल फ्यूल का मतलब होता है कि लंबे समय तक जब वो प्रेशर दाब को सहन करता है ना, और मिट्टी के अंदर दबा रहता है ना, उसके बाद वो अपने फॉर्म को बदल लेता है ना, तो तब जाकर के ये जीवाश्म ईंधन बनते हैं. और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सब जीवाश्म ईंधन है, जबकि फायरवुड तो हम बस जंगल गए, लकड़ी काटे, हो गया, ठीक है. तो ये हमारा आंसर इसका हो गया. अगले क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे, तो ये एज इट इज आ गया है, बता दूंगा. चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन ओनली ऑन द कोस्टल एरियाज,
तो इनमें से कौन सा है जो कोस्टल एरियाज में ही मास डिस्ट्रक्शन कह लीजिए कि बहुत बड़ा मीन्स की ये डिस्ट्रक्शन लाता है, डिस्ट्रक्शन कहने की तबाही लाता है, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पे सुनामी, वुल्केनो, टाइड्स और अर्थक्वेक। तो कोस्टल एरियाज की बात करें, समुद्र के तल वाले, समुद्र के आसपास के एरियाज वाले, तो उस एरियाज में सुनामी ही मास डिस्ट्रक्शन करता है, ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन करता है ना, भयंकर तबाही लाता है, तो इसका नाम है सुनामी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है यहाँ पे कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज मेनली मेड अप ऑफ। देखिए तो यहाँ पे अर्थ के तीन लेयर्स होते हैं जिसको आप क्रस्ट, मेंटल कोर के नाम से जानते हैं। क्रस्ट, मेंटल कोर, क्रस्ट सबसे ऊपर, परपटी जिसको बोलते हैं, बीचला होता है जैसे मेंटल कहते हैं, और अंतिम जो होता है वो कोर होता है, ठीक है। तो बोला गया है कि सबसे भीतरी परत मींस की कोर की बात की जा रही है। तो कोर में आप देखेंगे ऑप्शन दिया है सिलिका एंड आयरन, निकेल एंड एल्युमिनियम, सिलिका एंड एल्युमिनियम और निकेल और आयरन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ये होता है सियाल, सिलिकन एंड एल्युमिनियम सबसे ऊपर, तो सिलिकन एंड एल्युमिनियम तो होगा नहीं। उसके बाद है सीमा, सिलिकन एंड मैग्नेशियम, सिलिकन मैग्नेशियम तो है नहीं कहीं, और नीफे, निकेल और फेरस, फेरस मींस होता है लोहा, ठीक है। तो यहाँ पे निकेल और लोहा से हमारा आंसर आ जाता है चौथा सही, ठीक है। तो ये हमारा सबसे भीतरी परत को निकल और लोहा वाला परत कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है हमारा यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर, नदी का निक्षेपण का परिणाम होता है। तो इनमें से कौन सा है जो नदी के निक्षेपण से बना है? तो देखेंगे यहाँ पे बोला गया है मिंडर्स, विसर्प, गोखुर झील, झरना और हाँ, तो नदी के निक्षेपण से बाढ़ का मैदान बनता है। निक्षेपण कहने का मतलब कि नदियां जो हैं वो जब अपने ऊंचाई से, जब किसी पहाड़ी से या ऊंचे क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर आती है, तो अपने साथ ऊपर के क्षेत्रों की मिट्टी, गाद, बालू, पत्थर, ये सब अपने साथ लेकर आती है, और जब मैदानी क्षेत्रों में आती है तो उसको निक्षेपित कर देती है। निक्षेपित करने का मतलब कि वहीं पे छोड़ देती है और मिट्टी वहीं पे जम जाता है, जो कि एक बाढ़ का मैदान बनता है, और वो बाढ़ का मैदान बहुत ही उपजाऊ होता है, फर्टाइल लैंड होता है, ठीक है। तो ये था अगला है हमारा यहाँ पे ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक एट व्हाट मेजरमेंट ऑन द रिक्टर स्केल डू थिंग्स बिगन टू फॉल। भूकंप के दौरान रिक्टर पैमाने पर किस माप से वस्तुएं गिरने लगती है, मीन्स की इसमें बताना है कि कौन सा वो रिक्टर स्केल है जहां तक अगर भूकंप पहुंच जाए, ठीक है, तो वस्तुएं गिरना शुरू हो जाती है। मास डिस्ट्रक्शन तो बहुत बड़ी बात है ना, मीन्स की डिस्ट्रक्शन तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है रिक्टर स्केल पे अगर 5.0, तो यहां से वस्तुएं जो है गिरना शुरू हो जाती है, और अगर 6-7 हो गया तब तो समझ जाइए कि बस बहुत बड़ा भयंकर वाला भूकंप जिसको कहते हैं वो आएगा। तो यहाँ पे 5.0 से अगर अपर होता है तो वस्तुएं गिरने लगती हैं, ठीक है। तो ये 47 दो क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंट्रोड्यूस विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश आर्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। उपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आगमन के साथ निम्नलिखित में से कौन सा पेश किया गया था, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है भित्ति कला, तेल चित्रकला, परिपेक्ष, पर्सपेक्टिव और मिनिएचर, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव परिपेक्ष कला का आगमन हुआ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका पर्सपेक्टिव। अगला है यहाँ पे अराउंड 2000 ईयर्स अगो, लगभग 2000 साल पहले
वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणियां थी. श्रेणियां क्या होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है. ये तो खैर प्रीवियस ईयर है ही, तो आपको पता ही है कि जब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो कितनी बार पूछा जाएगा, है ना. इसी को घुमा के इधर उधर करके जो है सेंटेंस को तोड़ मरोड़ करके आपसे पूछा जाएगा. तो ध्यान रखिएगा कि श्रेणी किसे कहते थे. तो श्रेणी में ऑप्शंस आया है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, नहीं शिल्पकारों और व्यापारियों का संघ, कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे का फाल, ऐसे सिक्के जिन पर धातु के डिजाइन बने होते थे. बिल्कुल नहीं, इसमें जो है हमारा श्रेणिया जो था वो एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट होते थे, शिल्पकारों और व्यवसायियों का समूह होता था जो कभी कभी लोन देने का भी काम करती थी, हुंडी जारी करती थी. इन सब के बारे में इतिहास के बुक में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जब डिटेल्स क्लासेस होगी, ठीक है. और ये है हमारा 50th जो कि लास्ट आज की क्लास का होगा. उसके बाद 50 से आगे का अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये है कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन एंड चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है. मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बोला गया है कि पांडुलिपि और शिलालेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर चुने. पांडुलिपियां आमतौर पर तार के पत्ते या बर्च, भुर्च जिसको बोलते थे, के बर्च या भुर्च, भुर्ज भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, नामक पेड़ की विशेष रूप से तैयार छाल पर लिखी जाती थी. तो जैसा कि ये वाला सही है बिल्कुल. और शिलालेख पत्थर और धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखे गए थे. तो बिल्कुल, तो दोनों इसमें हमारा सही हो रहा है. तो इन दोनों को सही करने के लिए हम ए और बी दोनों सत्य पर जाएंगे. तो हमारा ये आंसर हो जाएगा ए और बी, ठीक है. तो इस तरह से ये हमारे 50 क्वेश्चंस पूरे होते हैं. अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये 90 तक जाएगा, मीन्स की 30 तक, ठीक है. 30 क्वेश्चंस होते हैं इसमें और 29 के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं मैं. ये 20 क्वेश्चन आज पूरा किया है. अगले क्वेश्चन में, अगले क्लास में हम लोग जो है जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो ये पूरा हो जाएगा हमारा और आज के सेशन में इतना ही. मिलते हैं फिर दूसरे सेशन में जिसमें हम लोग इसी का पार्ट टू करेंगे और भी बहुत सारी चीजें जो होने वाली है उसके लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल पे और लर्निंग पावर को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. और इधर ये मेरा पर्सनल चैनल जो कि प्रवीण ऐश्वर्या के नाम से है, यहाँ पे भी आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए. इस वाले चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ एसएसटी से रिलेटेड चीजें मिलेगी. बाकी जो दूसरे चैनल हैं लर्निंग पावर, वहां पे आपको और भी जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं, वन डे एग्जाम्स, उन सभी के बारे में वहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. तो आज के सेशन में इतना ही. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. हैव अ नाइस डे.